इन 8 और 9 डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में जाएंगे। और मैं फर्स्ट टाइप ये ले रहा हूँ, दैट इज द टाइप 1। और टाइप 1 में देखिए आप, इसमें 3 फॉर्मेट्स हैं। ऐसा हो सकता है कि जो इंटीग्रेशन है ax² + bx + c इस तरह का हो सकता है, या आपका इस तरह से हो सकता है dx अपॉन ये रूट में आ जाए, ax² + bx + c रूट में आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में आ जाए। मतलब जो एक तरह से जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होती है, दैट इज कमिंग इनसाइड द रूट। सो इस तरह से भी ये इंटीग्रेशन के लिए आ सकता है। सो देयर आर 3 जनरल फॉर्मेट इन द टाइप 1। ऐसे हम टाइप 1 टाइप 2 टोटल 8 और 9 टाइप्स हैं, उनको कवर करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल इरेशनल फंक्शंस फिनिश होगा। ठीक है, तो पहला टाइप देखिए ये है, उस टाइप में भी 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है इंटीग्रेशन का, जिसमें कि इस तरह की पोजीशन दे रखी है, तो देखिए ये वाला पर्टिकुलर किस जनरल फॉर्म में जाएगा वो देखना है। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है ना। तो बिना रूट के यदि यहाँ पे है ऐसा, सो दैट कैन गो इन टू दस दिस फॉर्म। तो ये जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो फर्स्ट ये है कि इट कैन गो इन टू द dx अपॉन a² + x²। ये वाला ए नहीं है, ये इस फॉर्मूले का है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में जाएगा, सो दैट गोज इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाइक दिस। ये कन्वर्ट होके फाइनली इस फॉर्म में चली जाती है, या तो a² + x² होता है, सो इसमें लिखते ही हम 1/a tan-1 x/a लिख सकते हैं। और सेकेंड ये हो सकता है, इट कैन गो इन टू दिस फॉर्म x² - a², सो 1/2a log(x - ax + a), या फिर ये इसमें जा सकता है, दैट कैन गो इन टू द a² - x² वाली फॉर्म में जा सकता है। तो ये 3 फॉर्म्स में जो कि बिना रूट के हैं, सो दैट पर्टिकुलर द पोर्शन विच इज रिटन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन गो इन टू दीज स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसकी बात करें, ये जिन जिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जिसको हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, वो उसके मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो वो हमारा ये ऐसा है, कन्वर्ट होने के बाद में ये जा सकता है आपका dx अपॉन। देखिए रूट में है तो आपको पता ही है, रूट वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वही मुझे लिखने, सीधे सीधे वही काम कर रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रूट में है क्वाड्रेटिक पोर्शन, सो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेगा, और फिर वहां से हम उठा के उसका वैल्यू लिख देंगे, उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख देंगे। किस तरह से आएगी देखिए, या तो ये a² - x² वाले फॉर्म में जाएगा, या फिर इसमें जा सकता है, फर्स्ट इसमें जा सकता है, सेकंड फिर ये जा सकता है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + x² ये जाएगा अगर इसमें, तो इसमें आपको पता है इसका इंटीग्रेशन sin-1 x / a लिखना है, और अगर इस वाले फॉर्म में जाएगा तो log ऑफ x + √a² + x² में लिखना है इसको। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड फॉर्म, इट कैन गो इन टू द अंडर रूट ऑफ x² - a² ऐसे भी हो सकता है। सो इसके लिए आपको पता ही है, दैट इज द लॉग ऑफ x + √x² - a² इस आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही जा सकता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू दिस। इसमें थोड़ा सा एक स्लाइटली एक पॉइंट है, वो मैं जब सवाल लूंगा तो आपको बता दूंगा कि उसमें किस तरह से हैंडल करना होता है। ठीक है ना, वहां पे लीनियर का और उसमें एक्स के साथ कॉफिशियंट वाला एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्लियर होने के बाद में जब वो आप सीख जाते हैं, कोई भी सवाल उठा के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो फॉर्म है, दिस पर्टिकुलर फॉर्म कैन गो इन टू दिस फॉर्म a² + x² वाले फॉर्म में जा सकता है, इट कैन गो इन टू द a² - x² dx, और इसके जो 3 फॉर्मूले हैं, ये इसके 3 फॉर्मूले हैं, वही मैं लिखूंगा सीधे सीधे x² - a² dx। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट टेक्स दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म लेता है, और वहां पे फॉर्मूले से उसकी वैल्यू उठा के लिख देता है, बहुत आसान काम है। ठीक है, तो देखिए ऐसा पार्ट हो, एक क्वाड्रेटिक जैसा वैल्यू हो, विदाउट रूट हो डिनोमिनेटर में,
रूट में हो, इनसाइड द रूट डिनोमिनेटर में, और ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाए रूट में, तो हम उसको इस तरह से इन फॉर्मूले से लिख देते हैं और उसके बाद में आगे वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो आपको